सरकार मैंने तो ससुर एक नाती को मार मार के ठिकाना लगा दिया। सरदार आपके रास्ते का काटा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। सरदार अब आप गौरी के साथ लगन कर सकते हैं। उस्ताद आपके रास्ते का काटा निकाल दिया, अब तक तो उसे जंगली जानवर भी खा गए होंगे। उस्ताद अब हमें क्या इनाम मिलेगा? हेलो करो भगत करो जाओ करो। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का बेटा दूल्हा बने। अभी दूल्हा तो लाल सिंह बनेगा, लाल सिंह। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें अपना मन चाहा पति मिला। मेरी बेटी मेरी जान है जो तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे सुखी हो। बस तुमसे यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को कोई दुख न दे। चलो बस तुम बस सुखी रहो। Thank you.
अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। हाँ पिताजी,
सदियों से जो परंपरा चली आ रही है आज उसी को निभाने आया हूँ। अपने पुरखों की मान मर्यादा भुलाकर ठाकुर हरनाम के नाम को मिट्टी में मिलाकर सदियों पुरानी परंपरा निभाने आया हूँ। इस पंडित की बेटी को न जाने तुम पर क्या जादू पैदा करती और मेरे नाम मना करने पर भी तुमने ठाकुर खानदान की बहु बनाकर इसे हमें मैं इसे स्वीकार नहीं करता नहीं करता। मैंने एक गौनी से विवाह किया है ये मेरी पत्नी है आप इसे अपनी बहू माने या ना माने आपकी मर्जी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह की मर्जी के खिलाफ अगर इस गांव में कोई भी किसान अनाज बोता है तो उसकी जमीन को हमेशा हमेशा के लिए बंजर कर दिया जाता है। अगर इस गांव में डोली भी उठती है तो हमारी मर्जी से और अर्थी भी उठती है तो हमारी मर्जी से। पिताजी आप ये भूल रहे हैं कि आप भी एक इंसान हैं। भगवान ने क्या कहा? भगवान अरे तेरा बाप भी जिस मंदिर में घंटी बजाता है वो घंटियां भी मेरी मर्जी से बजती है और तू अपने बाप से बगावत करके कामयाब तो हो गया क्योंकि तेरे रगों में भी ठाकुर खानदान का खून है लेकिन एक बात भूल गया कि आखिर मैं तेरा बाप हूं। बाप मैंने तेरी मां को भी गोली मारी जानता क्यों? क्या उसने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किसानों का कर्ज माफ कर दिया था? क्या? हम तो आपसे आशीर्वाद लेने आए थे। आप तो जल्लाद निकले। आप अपने गुरु के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं, किसी को भी फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं। क्या कहा तुमने? जल्लाद? अरे जल्लाद भी फांसी देने से पहले काले कपड़ों से मुंह ढकता लेकिन आज हम तुम दोनों का सफेद कफन से उठाएंगे। पिताजी मैं आपका बेटा हूं और इस खानदान का चिराग। नफरत की आंधी से रिश्तों के बड़े बड़े चिराग बुझ जाते हैं। मैं ये समझूंगा कि मेरी कोई औलाद नहीं थी। नहीं आप इन्हें गोली नहीं मार सकते ये आपके बेटे हैं और मेरे पति हैं। ये कलयुग है कलयुग। भाई भाई को गोली मार सकता है माँ बेटे को गोली मार सकती है तो क्या एक बाप बेटे को गोली नहीं मार सकता? हट जा तू वरना तुझे भी मार दूंगा। समझा?
मेरा भाई बाबा, उसे आज भी उम्मीद है कि उसकी बेटी जिंदा है, मरी नहीं, और मुझसे मिलने जरूर आए। इसका मतलब मेरा और चोर बादल का पुनर्जन्म है। यस, यू आर राइट, तुमने ठीक कहा। इसलिए कि भानु प्रताप सिंह के पास कोई भी गवाही नहीं हो सकता, और तुम ये जानते हो कि बिना और गवाही हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना ही सकते। लेकिन आज कोई तो मेरे साथ है। सर, जब आप जानते थे ये खून भानु प्रताप सिंह ने किया है, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लेकिन सर, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। इस मोबाइल से फोटो निकाल सारे चैनलों और अखबारों में दे दो, और साथ ही 5 लाख का इनाम जरूर। सर, उसकी गाड़ी का नंबर है MH04-9986। 9986। तो तुम चारों ने पूरा सामान गोदाम में रख दिया और ये बचा हुआ सामान लेके आए हो। ठीक है ठीक है, पहले मैं इसका हिसाब कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ जरा कलम तो लाओ। उस्ताद दीजिए कलम। अम्मा, तुम चारों ने ये जो शर्ट पहन के रखा है, ये तो बहुत ही अच्छा पहना हुआ है। जब से मैंने ये दुकान शुरू की है, तुम चारों मेरे पास काम कर रहे हो। क्यों छोटू, मुंबई में हीरो बनने आए थे ना? उस्ताद, आया तो था, पर आपने काम दे दिया, मेरी तो रोजी रोटी चलने लगी। वो तो है। वो तो। और तुम उस्ताद, मैं तो जेब काटने में मास्टर आदमी था, एक दिन आप ही का जेब काट लिया। आप बोले मेरे काम का आदमी है, तब से मैं आप ही के पास रहने लगा। वो तो है, अमर तुम्हारा माया का डॉक्टर मैं जानता हूँ। तू तो मच्छी चुराता था, बेचता नहीं था ना। यार तुम तो बड़े कमाल के हो, इसलिए तुमको मैंने अपने साथ में रख दिया। अबे छोटू, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों है? उस्ताद, सुबह से बादल का फोटो टीवी पर दिखाया जाता है, मैं सोचता हूँ मेरा फोटो टीवी पर क्यों नहीं दिखाया जाता, मैं भी चोरी करता हूँ। अबे नाम ना ले शैतान, अगर पकड़ा गया ना तो तेरे साथ साथ हम सबको जेल जाना पड़ेगा। भाई शराफत अली, आप अपनी शान में कुछ कहने वाले थे। बंदे को शराफत अली कहते हैं, वो इसलिए कि मैं शरीफ हूं नहीं, लेकिन मोहम्मद अली और बजरंग बली की ताकत का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैंने अपने नाम में अली लगा लिया और मुंबई के चोर बाजार का किंग बन गया। भाई बादल, कल से टीवी पर और अखबारों में तुम्हारा फोटो ही दिखाया जा रहा है। तुम तो कहते हो कि पुलिस ने तुम्हारा चेहरा कभी देखा नहीं, फिर ये फोटो कहाँ से आया? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में मुझे भी जेल की चक्की पीसनी पड़ी। तू एक काम कर बादल, थोड़े दिनों के लिए बाहर निकल जा और ये चोरी का धंधा बंद कर। वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन पहले उस पुलिस वाली से तो मिलूँ जो मेरी इतनी पब्लिसिटी कर रही। भाई तो किस मिट्टी का बना है? अरे पुलिस तुझे पकड़ने के लिए पीछे पड़ी है और तू खुद जाल में फंसने जा रहा है। कमिश्नर तो सब है ही, और वैसे भी मुंबई का हाल पहले जैसे नहीं रहा। बाकी तेरी मर्जी। अल्लाह हाफिज़।
क्या पढ़ रहे हो यार? आजकल चोरों का स्टाइल ही बदल गया है। अरे यार ये सब तो फिल्मों का असर है। आजकल के चोर दाढ़ी मूछ रख के नहीं बल्कि हीरो बनकर घूमते हैं। सरे पर बदमाशों में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। तभी तो पकड़ना इन लोग को मुश्किल हो जाता है। देखो जरा यार इसका नाम है बादल और पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी रखा है। अगर ये मेरे को मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। नहीं यार सही बोल रहे। साला बच के जाएगा कहाँ? चलो पीछे। रुको 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 प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी पुलिस पर हूँ। ठीक है बैठो। अगर मेरी मदद करोगे तुम्हारा बड़ा फायदा होगा। आज का 4 साल पहले मलाड ईस्ट में आरके ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई थी। इसमें करोड़ों के हीरे थे। वो चोरी मैंने की थी। कुछ दिन बाद तो मैं पुलिस के हाथ लग गया लेकिन वो हीरे नहीं लगे। वो हीरे कहाँ छुपाए हैं वो मैं जानता हूँ। हीरों से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है। मैं जेल तोड़ कर भागा हूँ। तुमने मुझे पुलिस से बचाया है इसलिए एक हिस्सा। ठीक है चलो बैठो गाड़ी। कहाँ लेके जा रहा हूँ? बस यही बड़ा हुआ। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। यही वो मकान है इसके पीछे में छुपाए थे। अच्छा यही वो मकान है। हाँ मैं घबराओ नहीं बादल तुम्हें यहाँ तक लाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ठीक है कदम तुम जा सकते हो। रुक जाओ कदम अच्छी एक्टिंग कर लेते फिल्मों में क्यों नहीं काम करते? मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था
जब तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठे, तुम नाकेबंदी के वक्त मैडम के राइट में थे ना? आई एम राइट? मैं तो खुद मैडम से मिलना चाहता। ठीक है, तुम जा सकते हो। बादल, मैं इस वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारा और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं ये कैसे यकीन करूं कि ये सब सच है? कहीं मुझे फंसाने के लिए ये कोई नई कहानी तो नहीं बना दी? नहीं बादल, बिल्कुल नहीं। रोशनी बिल्कुल सच बोल रही, क्योंकि इसका गवाह था मैंने ही सारी बातें सुनी। अब सबसे पहले हमें उस ठाकुर भानु प्रताप सिंह को सजा दिलानी है, जो काम 20 साल पहले होना चाहिए था। अब लेकिन उसके लिए हमें चंदनपुर चलना होगा। ठीक है, मैं चंदनपुर गांव चलने के लिए तैयार हूँ। गुड, बादल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमारा साथ छोड़ो। चंदनपुर जाने की क्या जरूरत है? अरे बीपी सिंह, तुम चंदनपुर गांव का ठाकुर भानु प्रताप सिंह और इस शहर का बीपी कंस्ट्रक्शन का मालिक बीपी सिंह। मैंने तुम तीनों की बातें सुनी है, और बादल तुम्हें टीवी न्यूज पर देखकर रोशनी यानी इंस्पेक्टर साहिबा आपको पुलिस चौकी में देखकर मैं हैरान हो गया, इसलिए तुम तीनों का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया। अपने आप को कानून के हवाले कर दो बीपी सिंह। और हाँ भानु प्रताप, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो इस पिस्तौल से गोली भी चल जाए। इतने बड़े पुलिस कमिश्नर बन गए लेकिन मेरी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। आज से 20 साल पहले भी मैंने खून बहाया था और आज भी खून बहाऊंगा। खत्म हो गई तुम्हारी प्रताप सिंह की बेटी, अब तुम दोनों को मेरे साथ चंदन में चलना। शायद तुम दोनों को देख के मेरा भाई ठीक हो जाए। अब मेरी खोली जरूर आई, मेरी बेटी जरूर आई, जरूर आएगी, वापस आएगी। साई, मेरी बेटी जिंदा है, एक दिन जरूर आएगी। मेरी बेटी जिंदा, एक दिन जरूर आएगी। राम भैया, राम भैया, देखो मैं तुम्हारा भाई श्याम रहा है, देखो मुझे पहचानो। और ये तुम्हारी बेटी गौरी और ये तुम्हारा दामाद, मैं दोनों को रहा है। देखो देखो भैया, पहचानो पहचानो। राम भैया, राम भैया, राम भैया, देखो मेरी तरफ, पहचानो दोनों को। आ गई तुम्हारी बेटी गौरी, गौरी गौरी गौरी, मेरी बेटी आ गई है। गौरी, अरे मेरी बेटी गौरी, अरे गौरी आ गई मेरी बेटी। भैया देखो एक गांव आलो, देखो देखो मेरी बेटी गौरी आ गई। मैं कहता था ना कि एक दिन मेरी गौरी जरूर वापस आएगी। आज मेरी गौरी मेरे सामने खड़ी है, गौरी वापस आ गए। अरे सुनो गांव वाले, अरे देखो मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी एक दिन जरूर आएगी। कहां गए? आ गई मेरी बेटी वापस।
देखो मेरी गौरी वापस आ गई, मेरी गौरी वापस आ गई, मेरी गौरी।